नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की वॉरियर्स पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस भर्ती से रिलेटेड। यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। शुरुआत में लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद BIS के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब इसके बाद जो नंबर एक है, यहाँ पर आपको बताया गया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। इसके बाद नीचे चलकर आप सभी जो अलग अलग वैकेंसीज है उनके अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जैसे कि पहली है सिविल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट निकली हुई है। अगर जर्नल की बात करते हैं तो टोटल 5 पोस्ट, OBC की 4, SC की 1, ST की 2 और EWS की 1 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली हुई है। इस तरह से आप सभी वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो अगर बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इन चारों के लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो होगी आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों, आपके पास गेट जो टेस्ट होता है उसका एक वैलिड स्कोर होना चाहिए पिछले 3 साल का, 2019 का, 2020 का और 2021 का। और क्रॉसपेंडिंग गेट पेपर की बात करते हैं तो उसके जो कोड है सिविल इंजीनियर का CE, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का IN और इन्वायरमेंटल साइंस का और इंजीनियरिंग का ES, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस का TF। और इसके बाद जो केमिस्ट्री है इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको नेचुरल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपके जो मार्क्स है वो 60% या इससे अधिक होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 50% मार्क्स भी आपके सही माने जाएंगे और आपके पास 2019, 2020 और 2021 के गेट का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। अब आगे चलकर एज लिमिट्स दी गई हैं, तो कैंडिडेट की एज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। जैसे अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की, और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। इसी तरह से आप और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और एज की छूट से पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो 5 पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ए की शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन गेट 2019, 2020 और 2021, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो गेट के 19, 20 और 21 के स्कोर पर ही किया जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, तो जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपको अपने जो रियल डॉक्यूमेंट्स है वही लेके जाने हैं और आपका जो टाइम, डेट और वेन्यू होगा वो आपको मेल पर बता दिया जाएगा। अब इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको 85% जो मार्क्स हैं वो गेट के स्कोर पर मिलेंगे और जो 15% मार्क्स हैं वो आपके इंटरव्यू से कैलकुलेट होंगे। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई बताया गया है, यानी कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप 5/6/2021 से लेकर 25/6/2021 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 जून से लेकर 25 जून के बीच में। अब इसके बाद आगे चलकर आपको एप्लीकेशन फीस बताई गई है, तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो होगी वो 100 रुपया होगी, वो भी तब जब आप जर्नल कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आप जर्नल को छोड़कर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होगी और ये जो फीस होगी ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब इसके बाद अनेक्स 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इंपोर्टेंट सर्विस कंडीशन, यहाँ पर आपकी सर्विस कंडीशन दी गई है, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद अनेक्स 2 में जर्नल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन, यानी कि जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन से है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, सिंपली मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको फीस में भी छूट मिल जाएगी, उम्र में भी छूट मिल जाएगी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आपके पास इस रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर आपके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद आगे चलकर आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट से भरना चाहते हैं उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से भरेंगे तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन
इंजीनियरिंग से भरेंगे तो भी इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भरेंगे तो आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद जो बी पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया है कि आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो सी पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो परसेंटेज होगा वो 2 डेसिमल तक कैलकुलेट होगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट में CGPA, OGPA या फिर CPI दिया हुआ है तो उसको भी आपने परसेंटेज में कैलकुलेट करके लिखना होगा। और दोस्तों जो एफ पॉइंट है, इसमें आपको बताया गया है कि आपकी जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उनके सर्टिफिकेट 25/6/2021 से पहले पूरी हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई बताया गया है, यानी कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्कैन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट ऑफ फीस अगर आप खुद भरते हैं तो ये पॉइंट्स पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज किसी CSE सेंटर पर जाकर भरते हैं तो इन्हें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि जो पॉइंट नंबर सेकंड है, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, गेट्स कोड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, डिग्री, मार्कशीट है, सेंसर क्वालिफिकेशन, ये सभी जो है स्कैन होकर अपलोड होंगे। आपके पास एक वैलिड पर्सनल मेल आईडी होगी और मोबाइल नंबर होंगे जिससे कि डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करता रहे। और दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 25/6/2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसके बाद आपसे एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है, तो यहाँ इसे पढ़ सकते हैं आप। पहले सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं उनको केयरफुली फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों आपका जो नाम है, माता पिता का नाम है, ये इनकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डेट, उनके नंबर जो है वो सही होने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 में आपको बताया गया है कि जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा इसके बाद आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो वो चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड फोटोग्राफ्स के बारे में बताया गया, तो पहला फोटोग्राफ इमेज है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है। तो उसके बाद है सिग्नेचर इमेज, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बताया गया, तो हमने बताया था कि इसकी जो फीस होगी वो ऑनलाइन मोड से कटेगी, यानी कि आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों फीस कटने के बाद आपको एक ई रिसिप्ट ले लेनी है। और आगे चलकर आपको बताया गया, यदि किसी प्रॉब्लम के कारण आपके फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड नहीं होते हैं या फिर अनक्लियर होते हैं तो आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद एनेक्स 5 में कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए। और इसके बाद जैसे पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी क्वेश्चन को लेकर या फिर एडवर्टाइजमेंट को लेकर तो इंग्लिश वर्जन जो होगा वो ही मान्य होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर फॉर्म ए यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने क्लेम के लिए ये फॉर्म को सबमिट करके अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना होगा। अब इसके बाद जो दूसरा है वो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर, यानी कि SC/ST के वे कैंडिडेट्स जो पहले किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते थे लेकिन अब वो दूसरे जगह चले गए हैं, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट फिल करके उन्हें एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद फॉर्म बी दिया हुआ है, ये फॉर्म बी OBC कैंडिडेट्स को फिल करना है, OBC कैंडिडेट्स इसे फिल करेंगे। और अब उसके बाद जो फॉर्म सी है ये OBC कैंडिडेट्स के लिए ही है लेकिन इन एडिशन टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो OBC कैंडिडेट्स इसे फिल करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, यानी कि इसे अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद जो फॉर्म डी है ये EWS कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, ये EWS के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें ये फॉर्म फिल करके अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको फॉर्म और इन्फॉर्मेशन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करें और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।